बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब ODL लेक्चर। सो हियर आई शेयर स्क्रीन विद यू। ओके जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट फ्राइडे को अपनी प्रोग्रेस जो है वो शेयर की थी इस कोर्स की, और के लास्ट 8 वीक्स में लाइव इंट्रैक्शन क्लासेस में हमने क्या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम लैब में हमने कवर किया था। तो फ्राइडे की उस डिस्कशन में हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके तो टिल द इंटरप्ट्स, जो हमने माउस और कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग देखी थी, या जो कर्नल की GDI की प्रोग्रामिंग थी, जो कर्नल का आर्किटेक्चर होता है, और चैप्टर 3 से हमने वो सारा डिस्कस किया था, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, डिस्पैचर, रूट प्रोसेस और मैसेज क्यू, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये किस तरह से प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आप अपने लैब मैनुअल्स में बहुत सी असाइनमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। तो जब व्हेन यूनिवर्सिटी क्लोज्ड, तो उस वक्त हम लोगों ने, आप लोगों ने टाइम को जो है वो बेसिकली प्रोग्राम किया था। इसका वो पहला प्रोग्राम है पेपर 1, और मैंने ये कहा था कि जब नेक्स्ट वीक में आफ्टर द मिड टर्म हम इसको स्टडी करेंगे थॉरली। तो ये जी चैप्टर 8 है आपकी विंडोज प्रोग्रामिंग की बुक में, एज यू कैन सी। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से जाहिर है कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और हम थ्योरी के अंदर भी कॉन्करेंट प्रोसेस डिस्कस कर आए हैं। ये बेटा, इसमें ना अभी ये लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन है, तो इसमें मैंने अलाउ कर दिया है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो आप खामोशी से इसको सुन सकते हो क्लास को। तो इसका क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह टुमारो फ्राइडे को होगा। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपने सुनना है तो आप इसको सुन सकते हो। जी सर, इट्स नॉट द क्लास, द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर। ओके सर, पूछ रहा था, मैंने कहा अगर हो रही है तो दूसरों को बता दूँ इसलिए। नहीं, वो मैंने ऑन कर दिया, अगर कोई सुनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। तो वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। ओके जी, तो हम वापस चलते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो देखते हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट्स वापस आते हैं। हम लोग टाइमर को डिस्कस कर रहे थे, तो एज आई वाज टेलिंग यू कि हमने कॉन्करेंट प्रोसेसर्स को देखा था, और हमने ये भी देखा था कि जो यूनी प्रोसेसर सिस्टम थे उसमें टाइम स्विचिंग के ज़रिए जो है वो आपकी कॉन्करेंसी को मैनेज किया जाता था। कि क्लासिकल कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या नाउअडेज जो आपके एम्बेडेड डिवाइसेस हैं उसमें स्टिल आपको यूनी प्रोसेसर सिस्टम जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, और यूनी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर टाइम स्विचिंग के ज़रिए हम मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टिल अगर आपकी मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे आप कोई कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करें, या वर्चुअल हाइपर थ्रेडिंग के थ्रू HD के थ्रू कॉन्करेंसी को अलाउ करें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब भी आपकी जो टाइम स्विचिंग है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कॉन्करेंसी के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे चैप्टर 8 में टाइमर के बेनिफिट्स लिखती हैं कि ये मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कहीं पर आपको स्टेटस अपडेट चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें भी ये जो आपका टाइमर का ऑब्जेक्ट है विंडोज़ का, वो इस्तेमाल होता। सो टाइमर जो है वो काफ़ी फंडामेंटल है नावाडेज इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर पे हो या वो मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे काम करें। तो सो दिस इज़ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम नावाडेज, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एंड इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जब से आपके पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
सो मल्टीटास्किंग के अलावा कई ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपको किसी प्रोसेस की अपडेट चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो गेम को प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपने कोई रेसिंग गेम है और उसमें आपने लैप्स के जो हैं वो टाइम्स के हिसाब से उसको सेटिंग की है, तो उस प्रोसेस की जो टाइमर अपडेट है वो आप इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, इसी फंक्शन के थ्रू, कर्नल के इसी कॉम्पोनेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एज यू कैन सी, इसने यहाँ गेम्स का जिक्र भी किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है। बेटा, ये ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसरिंग कल ही होगी, तो ये मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा लेक्चर। ओके थैंक यू इसमें सर। अगर आप मैंने, ना भी लें तो कोई इशू तो नहीं होता। नहीं, ये तो जस्ट रिकॉर्डिंग है। मैंने इसमें आपकी जो एंट्री है वो अलाउ कर दी है ताकि अगर कोई स्टूडेंट लाइव सुनना चाहता है तो वो इसको सुन सकता है। ठीक है, क्लास कल ही होगी, तो ये बस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें आपको मैंने वो परमिशन दी हुई है गेस्ट ज्वाइनिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन ओके आंसर सर, इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सर। ओके जी, तो आप इसके अंदर जो है वो बात हम कर रहे थे कि प्रोसेस को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह वीडियो गेम की हमने एग्जांपल ली, इसके साथ साथ जो आपकी मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द बुक हेयर, तो किसी ऑडियो या वीडियो फाइल को जब आप प्ले कर रहे होते हो तो वो कितने मिनट्स प्ले हो चुकी है और कितने मिनट्स रहती है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। सो देर आर मल्टीपल पर्पजेस ऑफ द टाइमर ऑब्जेक्ट। सो टाइमर के बगैर जो है कर्नल की सर्विसेज किसी कॉन्करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दैट इज़ नॉट कम्प्लीट। सो मूव करते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो दिया भी था। मैं अब आपसे शेयर करता हूँ विजन स्टूडियो, तो लेट मी शेयर विजन स्टूडियो विद यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टाइमर वन जो है, बीपर वन जो है वो आपका प्रोग्राम है फ्रॉम द 8th चैप्टर, और जो कि आपने बिल्कुल लास्ट लैब में इन द 8th वीक, मैंने आपको बोला था कि इसे कोड कर लें और इसको रन करें, और नेक्स्ट टाइम हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। और साथ ही मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग जो हैं इसमें वेरिएशंस भी बनाएं, जिस तरह कोई टेक्स्ट आपने प्ले करना है टाइम के पर टाइमर के मैसेज में, या कोई कलर चेंज करना है, उस तरह की छोटी छोटी टास्क मैंने स्टूडेंट्स को दी थी। ऑल दो हमने इसको इन डेप्थ डिस्कस करना था वीक 9 में, तो हम टुडे इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखें कोई हेडर फाइल इंक्लूडेड नहीं है, वही windows.h है, और फिर आपकी ये प्रोटोटाइप आ गई विंडप्रॉक की, विंडप्रॉक द डिस्पैचर, और इसकी 4 पैरामीटर्स जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हो फ्रॉम lab 1, एज वेंड जो कि इसका एड्रेस पॉइंटर है, सेकंड पैरामीटर जो इंट इज फॉर द मैसेज, मैसेज क्यू में जो मैसेजेस जाते हैं उनके नंबर को कैरी करने के लिए, वी आर एस डब्ल्यू पैरम और एल पैरम जो है ये आपके करियर्स हैं, यानी कि करियर्स कि जब डेफ एंड प्रॉक के पास विंड प्रॉक ने तो रिक्वेस्ट लेके जानी है तब भी इसमें कोई इंफॉर्मेशन होगी, और जब विंड प्रॉक उस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करेगा तो तब भी इसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है आपकी अवेलेबल होगी। तो ये दो करियर्स हो गए, तो इसकी प्रोटोटाइप, और फिर जैसा कि आपने शुरू से देखा है, मैं एक दफ़ा फिर इसकी रिवाइज कर रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे भी मैंने रिवीजन की थी कि थोड़ा सा गैप आ गया, तो आपको जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है वो इसको रिवाइज कर लेंगे इन दो लेक्चर्स में। सो एज यू गाइज नो दैट विन ए पी आई विन मेन इज़ द प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, एंड वी हैव 4 पैरामीटर्स ऑफ विन मेन, दैट इज़ द प्रोग्राम एंट्री पॉइंट ऑफ द कर्नल प्रोग्राम ऑफ विन 32 SDK ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एज यू ऑल नो दैट एच इंस्टेंस इज एन इंटीजर पॉइंटर दैट इज़ यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल एज अ प्राइमरी की फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि हर प्रोसेस के लिए आपका ये जो नंबर है एच इंस्टेंस, हैंडल टू द इंस्टेंस, यानी कि इंटीजर पॉइंटर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस टेबल होती है उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोसेस को। इसी तरह से एज यू ऑल नो दैट एच प्रीवियस इंस्टेंस डिफॉल्ट वैल्यू इज़ नल, ऑल दो इट वॉज यूज फॉर
एज अ काउंटर ऑफ एन एप्लीकेशन, तो उसकी कितने इंस्टेंसेस करंटली रनिंग है. द थर्ड पैरामीटर इज द पॉइंटेड टू द कमांड लाइन, PSTR pointed to the string of command line, the commands that the program entry point will receive, ये उसको point करेगी. The fourth one is the status, ICMD show, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है. तो ये दो main functions जो कि हम which we are studying from lab one. Okay, तो उसके बाद आपको पता है SZApp name है, इसमें तीन structures इस्तेमाल हुए हैं, HWIN for storing the handle to the window, MSG structure is used for message processing and the message loop. WIN class is used for the process control block information storage. So we created instance of WIN class structure as WIN class. और फिर यहाँ पे आपने process control block को की entries जो हैं उसे fill कर लिया. जैसा कि हम पिछले chapters में देखते आए हैं, इसका style आ गया जिसमें horizontal और vertical redraw है. फिर आपने जो WIN proc था यानी कि dispatcher of your process, इसको आपने register कर लिया with the program entry point. So this is the binding of H instance with the HWIND as well, indirectly. और फिर ये extra bytes हैं जो कि अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि हम child windows नहीं कर रहे, कोई graphic intensive programs नहीं बना रहे. Therefore, we use null as the default value for CBCLS and CBWIND extra. And then we registered the H instance जो कि हमने यहाँ पे ऊपर फर्स्ट पैरम लिया था, तो प्राइमरी की या आपकी प्रोसेस टेबल में यूनिक आइडेंटिफायर होगा उसको हमने रजिस्टर किया प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से. सो देन आइकन एंड कर्सर एंड बैकग्राउंड एंड मैन्यूअल व्हिच इज नॉट इन दिस एंड देन द क्लास नेम और फाइनली आपने इसको रजिस्टर किया. सो प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, उसके बाद आपने नेसेसरी स्ट्रक्चर्स के इंस्टेंसेस लिए, फिर आपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की एंट्रीज को फिल किया और फिर आपका आ गया मैसेज लूप. ये अब आपने रजिस्टर क्लास के जरिए अपने इस प्रोसेस को यू आर गोइंग टू रजिस्टर इट विद द कर्नल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सो दैट ये एक लीगल प्रोसेस के तौर पे एग्जीक्यूट हो सकेगा. हमेशा याद रखिए जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस करते रहे हैं कि क्रिएट विंडो को कॉल करने से पहले प्रोसेस को रजिस्टर करना ज़रूरी है. दिस इज़ द हायरार्की ऑफ द प्रोग्राम. सो फिर आपने प्रोसेस क्रिएशन कॉल की यानी कि क्रिएट विंडो, दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी क्रिएटेड. और देखें जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हुआ है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑन फ्राइडे एंड सेवरल अदर पास्ट लैब्स, दैट द रेड टाइप ऑफ द क्रिएट विंडो इज HWIND. सो HWIND जो है यहाँ पे आपको रिसीव हो जाता है और आप ऊपर पहले इसको आपस में बाइंडिंग भी करा है PCB के अंदर. और एज यू गाइज नो द कॉलिंग कन्वेंशन ऑफ द WIN proc इज कॉल बैक. So it will be called whenever it is necessary. You don't have to explicitly call this process. ठीक है, तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी it will be called. So create window और इसके params हम पढ़ चुके हैं तफसील से पुरानी labs में, गुज़िश्ता labs में. So then the show window and update window function, which you guys know that it shows on this. So विंडो को शो करने के लिए जो है वो ज़रूरी होता है. फिर आपका मैसेज लूप आ गया एंड नाउ हियर यू सी द मैसेज स्ट्रक्चर इंस्टेंस इज यूज्ड. एज यू गाइस नो कि इसके चार आपके पास पैरामीटर्स होते हैं. ओके, देन द इनकोडिंग ट्रांसलेशन ASCII टू यूनिकोड, यूनिकोड टू ASCII. अगर आप कोई अपनी इनकोडिंग स्कीम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस मैसेज लूप के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं. देन द डिस्पैच मैसेज एंड वेयर इट इज डिस्पैच्ड, to the root process or to the default window process procedure. So then we come to the dispatcher. Or dispatcher se aap waqif hain iske bunyadi structure. As you can see it's four parameters. Abhi isme dekhiye aap HTC to hamesha se aap isme lete the, rect ka bhi lete the aur paint struct bhi aapne chapter 4 mein dekh liya tha. Edge brush aapko pata hai background coloring ke liye istemal hota hai. यहाँ पे एक इसने वेरिएबल दिया हुआ है स्टैटिक रूल, एक फ्लैग लिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप. एंड यू गाइस नो दैट कि फ्लैग में सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, इधर फॉल्स और ट्रू, ज़ीरो और वन. और इसने स्टैटिक क्यों दिया है, आपको प्रोग्रामिंग वन के कोर्स से पता होगा कि स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर स्टोर्ड ऑन हीप, जबकि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक पे स्टोर होते हैं. तो
विंड प्रॉक जो है वो स्विचिंग करता रहता है, और हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस को भी इस्तेमाल करेंगे. सो एक केस में जो वैल्यू अपडेट होगी वो दूसरे केस में लाइव रहे, इसलिए हमने इस फ्लैग को स्टैटिक ले लिया. इसका बेनिफिट ये है कि स्टैटिक का जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम होता है, द बेसिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल. ओके, तो हम मैसेज स्विच पे फ्रॉम चैप्टर 3 आप इस मैसेज लूप को देख रहे हैं. ओके, तो इसमें wm_create ये मैसेज इस्तेमाल हुआ है. इसमें देखें, इसने एक फंक्शन इस्तेमाल किया सेट टाइमर का. सो बेसिकली इस चैप्टर में अभी हमें जो नई चीज़ नज़र आई है वो ये फंक्शन देखने को मिल रहा है. ऑल दो इट्स अ स्मॉल फंक्शन, लेकिन ये बड़ा फंडामेंटल है फॉर टाइमर प्रोसेसिंग. अभी मैं इसको सिलेक्ट करके, आई हैव सिलेक्टेड F1, हम इस फंक्शन को MSDN में से भी देख लेते हैं कि इसका क्या काम है. और एज यू गाइस नो कि MSDN में हमें हमेशा प्लेटफॉर्म SDK को सिलेक्ट करना होता है. सो वी हैव सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म SDK. अभी ये आई थिंक आई हैव टू शेयर विद यू, मैं आपके साथ MSDN की स्क्रीन शेयर करता हूँ. यस, तो ये मैंने प्लेटफॉर्म SDK को सिलेक्ट किया, और देखें ये सेट टाइमर का फंक्शन आ गया. और इसके आपको चार पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट इज द एज प्रिंट हैंडल टू द विंडो, सेकंड इज द यूएंट PTR, और ये क्या है, टाइमर आइडेंटिफायर. ठीक है, इसी तरह थर्ड है आपकी टाइम आउट वैल्यू, एंड द फोर इज द टाइमर प्रोसीजर, टाइमर प्रॉक. अभी अगर हम अपनी जो हमने इस्तेमाल किया है विजुअल स्टूडियो में उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. शेयर तो अभी आपके साथ यही MSDN की स्क्रीन हो रही है. वहाँ पे हमने सेट टाइमर में पहले एच विंड यूज़ किया है, और कौन सा एच विंड का इंस्टेंस इस्तेमाल किया है, जो विंड प्रॉक का पहला पैरामीटर है. बेसिकली हम इस टाइमर को एसोसिएट कर रहे हैं डिस्पैचर के साथ. और दूसरा पैरामीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइमर आइडेंटिफायर है, अनसाइंड इंटीजर. तो हमने इसमें इस्तेमाल की है ID टाइमर. ठीक है, और अगर आपको याद हो ID टाइमर क्या है, एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है जिसे हमने, लेट मी टेक यू बैक टू द विजुअल स्टूडियो और फिर हम MSDN पर वापस आएंगे. थोड़ी सी स्विचिंग हमें इसमें करना पड़ेगी. ये देखें, ये अब वापस हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो में. आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेट टाइमर का पहला पैरामीटर है एच विंड, और ये कौन सा एच विंड है, जो विंड प्रॉक का फर्स्ट पैरामीटर है, पैरम है, यानी कि एड्रेस पॉइंटर जो हमने इस्तेमाल किया था डिस्पैचर में वो आएगा फर्स्ट में. सेकंड आपकी टाइमर की आईडी आएगी. ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन किया. एज यू कैन सी ऊपर हमने इसे एक इंटीजर कॉन्स्टेंट किया है ID_timer, जिसे हमने वैल्यू ट्रू की दी है 1. ठीक है, और अब ये थर्ड पैरामीटर, अब ये देखें इसका यूनिट है मिलीसेकंड्स, और ये इतने मिलीसेकंड्स का वेट होगा. आपने जितने टाइमर का डिले देना है किसी भी फंक्शन में, तो बेसिकली आपने इस्तेमाल करना है तीसरा पैरामीटर. ठीक है, तो ये तीसरा पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है इस प्रोग्राम में. Beeper 1 के अंदर इसने टाइमर का प्रोसीजर नहीं दिया. टाइमर का एक स्ट्रक्चर है जिसका प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज फोर्थ पैरम, यहाँ पे इसकी वैल्यू नल है. थर्ड जो आपका पैरामीटर है ये स्पेसिफाइज द टाइम आउट वैल्यू इन मिलीसेकंड्स. सो यूनिट आपका मिलीसेकंड होगा, और ये थर्ड पैरामीटर काफ़ी अहम है. तो ये तो इसका एक बुनियादी फंक्शन है सेट टाइमर का. तो हम यहाँ पे wm_create में ये सेट टाइमर को इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस फंक्शन का चौथा पैरामीटर जो है वो पॉइंटर टू द फंक्शन To be notified when the timeout value elapsed. वो टाइमर प्रॉक का इंस्टेंस होगा जो कि हम इस चैप्टर में आगे जो इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम देखेंगे उसके अंदर आपने टाइमर प्रॉक को इस्तेमाल करना है. सो अभी हम क्योंकि Beeper 1 देख रहे हैं तो Beeper 1 को ही अभी अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये आपके पास जो है बेटा फंक्शन हो गया पहला, जिसके चार पैरामीटर हैं, और यहाँ से आपने जी टाइमर लगा दिया. तो दूसरी चीज़ आपको मुख्तलिफ इस प्रोग्राम में नज़र आ रही होगी वो है wm_timer का बिल्ट इन मैसेज. बाकी प्रोग्राम मोर और लेस हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही आया है.
अभी देखेंगे ये टाइमर के मास से जुड़े क्रिएट में आपने टाइमर को इनिशिएट करना, वहाँ से इनिशिएट हो गया। और यूजफुल चीज़ है आपका तीसरा पैरामीटर फिलहाल, चौथे में हम पूरा टाइमर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे चौथे पैरामीटर में, लेकिन अगले प्रोग्राम्स में अभी नहीं। अभी आपने इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ थर्ड पैरामीटर के अंदर मिली सेकेंड्स में यूनिट देना, वो आपने दे लिया। डब्ल्यू एम क्रिएट में टाइमर इनिशलाइज हो गया। जब आप मैसेज में आए डब्ल्यू एम टाइमर के बिल्ट इन मैसेज में, तो ये इसने सिंपल मैसेज बीप का एक फंक्शन इस्तेमाल किया। ये एक बीप जो है वो देता है, आपने इसको MSTN में और किताब में पढ़ लेना, दिस इज़ वेरी सिंपल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये क्या हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ये एक सिंपल स्टैटिक फ्लैग है, स्टैटिक बुलियन वेरिएबल है, ये फ्लैग के तौर पे यूज़ हो रहा है, और इसकी स्टेट को ये यहाँ पे नॉट कर रहा है। ज़ीरो है तो वन हो जाएगा नॉट लगाने से, वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ये फ्लैग को तब्दील किया। और फिर आप देखें वो फंक्शन जो आप चैप्टर फोर में पढ़ कर आए थे, इनवैलिडेट रेक्ट, लेकिन आपने इस फंक्शन को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया था, तो ये फंक्शन यहाँ पे देखें इस्तेमाल हो रहा है। ये फोर्थ चैप्टर में आपने कर्नल GDI के अंदर इसको स्टडी किया था। तो इनवैलिडेट रेक्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, इसको भी आपने एज पॉइंट दिया और आप इसके ज़रिए रीपेंट करना चाह रहे हो विंडो को, ठीक है। तो आपने टाइमर के मैसेज में, आप इसमें अपनी कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, और आपको अगर याद हो तो 8th week की लैब में आपने ये काम किया भी था कि अपनी लॉजिक के ज़रिए डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए थे, लेकिन हमारा एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे इस टाइमर के बारे में रह गया था जो कि हम आज परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपने क्लाइंट एरिया को इनवैलिडेट किया और अब आप GDI को दोबारा पेंट कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि पेंटिंग के लिए हम जो मैसेज बिल्ट इन यूज़ करते थे विंडोज़ कर्नल का, वो WM पेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें आपने बिगिन पेंट इस्तेमाल किया। आपको याद होगा आपने दो फंक्शंस पढ़े थे HDC को ऑब्टेन करने की, HDC हैंडल टू द डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। एक आपके पास फंक्शन था GetDC, और वो हम यूजली कहाँ इस्तेमाल करते थे, WM पेंट के मैसेज से बाहर। जब हमें WM पेंट में HDC की ज़रूरत हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे, बिगिन पेंट, ठीक है। तो बिगिन पेंट स्टूडेंट्स हमने इस्तेमाल किया क्या ऑब्टेन करने के लिए, इसके रिटर्न टाइप है हैंडल टू द डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। सो यू गाइस नो दैट के पेंटिंग के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर द HDC, व्हेनेवर यू नीड एन HDC, तो फिर आप इसको फिलहाल दो फंक्शंस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। सो फिर एज यूजुअल, जैसा कि आपने टेक्स्ट मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम में भी देखा था सिसमैट्स में, कि हम गेट क्लाइंट रेक्ट का फंक्शन कॉल करते थे और इससे हमने क्या करना होता था, रेक्टेंगल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्टिवेट करते थे। इसकी बहुत सी वैल्यूज़ हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो डेफ इन प्रॉक आपका फिल कर देता है जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं। सो गेट क्लाइंट रेक्ट में आपने पॉइंटर दे दिया इस इंस्टेंस का जो आपने रेक्ट स्ट्रक्चर का लिया था, एंड नाउ इट हैज़ ऑल द डेफ वैल्यूज़ फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर। और फिर आपने यहाँ पे एज ब्रश दिया है जो आपके आप प्रोग्राम एंट्री पॉइंट में पहले भी लेते आए हो फ्रॉम द अर्ली डेज। इसमें आपने एक क्रिएट सॉलिड ब्रश का फंक्शन कॉल कर लिया, इसको आप देख लीजिएगा, ये पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसा कि टेक्स्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर में इसने एक प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की थी क्वेश्चन मार्क की, जो आप सी में अक्सर प्रीवियस कोर्सेज में भी इस्तेमाल करते आए होंगे, और इस कर्नल प्रोग्रामिंग में भी हमने इसे इस्तेमाल किया था टेक्स्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए GDI के अंदर। तो ये अब फ्लैग है, फ्लैग से क्वेश्चन मार्क, आपको याद है कि ये बुलियन वेरिएबल है, इधर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये ट्रू होगा तो ऑब्वियसली आपका ये RGB 25500 जो है आंसर होगा इसका, वरना आपका ये होगा। RGB खुद एक फंक्शन है रेड ग्रीन ब्लू, तो ये कलर दे रहा है बेसिकली क्रिएट सॉलिड ब्रश को। क्रिएट सॉलिड ब्रश जो है वो अपने पैरामीटर के तौर पे, जब आप इस फंक्शन को पढ़ोगे किताब से और MSDN से, कोई कलर लेता है तो उस कलर की वैल्यू जो है RGB रिटर्न करता है कलर की वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू, RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। तो ये दो मुख्तलिफ कलर हैं, जब आपने इस प्रोग्राम को चलाया था लास्ट टाइम तो यू सॉ के जो कलर है वो आपका तब्दील होता रहता है मुसलसल स्क्रीन का विद अ साउंड। साउंड आपकी टाइमर के फंक्शन से बीप आ रही है
और कलर जो है वो इस फंक्शन से चेंज हो रहा है थ्रू दिस फ्लिपटॉप. तो उसके बाद आप क्योंकि पीछे इनवैलिडेट कर चुके हो तो अब आपको फिल भी करना है. वो आपने एरिया जो है वो इनवैलिडेट कर दिया था इस फंक्शन से, तो आपने फिल रेक्ट करके एज ब्रश में जो भी कलर पड़ा है वो कलर आपने दे दिया और उससे एरिया जो है वो फिल हो गया. तो जो भी आप ऑब्जेक्ट देते हो उसे आपको रिलीज भी करना पड़ता है. जैसे बिगिन पेंट है तो एंड पेंट है. तो जब आपने यहाँ पे एज ब्रश क्रिएट किया तो एज ब्रश इज़ अ रिसोर्स और इस रिसोर्स को आपको फ्री करना है खुद, अदरवाइज इट विल ऑक्यूपाई मेमोरी. ओके, तो डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय आप शुरू से देखते आ रहे हैं. इसमें आपने पोस्ट कोड मैसेज तो आप यूज़ करते थे, लेकिन आपने टाइमर को भी किल करना है, अदरवाइज वो कर्नल रेजिडेंट मेमोरी रेजिडेंट टाइमर के तौर पे प्रोसेस जो है वो रहेगा. तो इसको किल करने के लिए तो किल टाइमर आपने इस्तेमाल करना है, विच मीन्स जब भी आप सेट टाइमर का फंक्शन यूज़ करोगे डब्ल्यू एम क्रिएट में तो आपको किल टाइमर यूज़ करना होगा डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय के अंदर. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला ईयर का प्रोग्राम और इट इज़ क्वाइट सिंपल. इसमें दो तीन चीज़ें नई थी जो कि प्रीवियस लैब्स में हमने नहीं की थी, तो वो हम मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए. ऑल दो आप इसे प्रोग्राम कर चुके हैं और आपको याद होगा कि हम रिटर्न डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर पे करते थे क्योंकि विन प्रॉक ने अपना कंट्रोल किसे देना है, डेफ एंड प्रॉक. डेफ एंड प्रॉक इज़ द रूट प्रोसेस, तो उसके वही फोर पैरामीटर्स हैं जो कि आपके विन प्रॉक के फोर पैरामीटर. तो ये प्रोग्राम है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आपने इसको बुक से पढ़ना है तो कीजिए. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में आगे टाइमर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं. ये एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम की दिखा देता हूँ, लेट मी रन इट. सो अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं आपसे एग्जीक्यूशन शेयर करता हूँ. यहाँ ये बीपर की डेमो, इसमें फिलहाल तो कोई ज़्यादा यूजफुल पर्पज़ नहीं सर्व कर, लेकिन तो वापस अब बुक की तरफ चलते हैं. सो आई थिंक मैं मिस्टेक, लेट्स गो बैक टू द बुक. सो स्टूडेंट्स ये था टाइमर का पहला प्रोग्राम जो आपने लास्ट टाइम ना सिर्फ लैब में रन किया था बल्कि उसको एडिट भी किया था, और इसमें अपनी आप टाइमर के जरिए कोई भी आप अपनी प्रोसेसिंग इसमें कर सकते हैं. तो ये था जी फर्स्ट मेथड टाइमर का. तो सेकंड मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. तो ये फर्स्ट मेथड था. तो इस डेमोंस्ट्रेशन में, लैब की डेमोंस्ट्रेशन में, हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने टाइमर की बेसिक्स देखी, उसकी रैशनल देखा कि व्हाई वी स्टडी टाइमर ऑब्जेक्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग और द कर्नल प्रोग्रामिंग. और फिर हमने उसकी एक डेमोंस्ट्रेशन भी ली जिसमें हमने जो विंडोज कर्नल का बिल्ट इन मैसेज है डब्ल्यू एम अंडरस्कोर टाइमर उसको भी देखा, और साथ ही हमने सेट टाइमर का फंक्शन भी देखा. सो ये स्ट्रक्चर जो है एज यू गाइज ऑलरेडी नो बैक फ्रॉम विंडोज 2098 से लेके विंडोज 10 में आइडेंटिकल है. सो देर इसकी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी जो है वो मौजूद है. सो हम इस प्रोग्राम को विंडोज 10 पे आप रन करें, 7 पे 8 पे ये फ्लॉलेस जो है वो रन होगा. सो ये जी हमारा पहला प्रोग्राम हो गया. तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डेमो के अंदर हम जो हम आपने मैथड 2 इसका किया था उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे. So, till then, Allah Hafiz. Take care.